कभी। बस बहुत हो गया तुम्हारा मौन प्रथ। प्लीज मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया प्रिंसिपल के सामने? अभी मुझे जाने दो। एक मिनट, देखो मेरा जानना जरूरी है, मुझे जानना है क्योंकि मेरे बेटे की एडमिशन का सवाल है कबीर, प्लीज बताओ। क्या जानना है तुम्हें काफिया? क्या जानना चाहती हो तुम? सच सुनना चाहती हो तुम? सच सुन पाओगी तुम काफिया? क्या हिम्मत है तुम में सुनने की? सच तो ठीक है, सच सुनो तुम काव्या। सच ये है। ओ माय कृष्णा, बेसब्रो तुम फिर से शुरू हो गए। खुल्लम खुल्ला टाइप्स। लेकिन अच्छा हुआ कभी जो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया, पता है कोई मिल ही नहीं रहा था। अच्छा ऐसा कर, मुझे कार में बिठा के ना ब्यूटी पार्लर टाइप्स में जरा ड्रॉप कर दे। चाची मुझे ना जरूरी काम है अंदर में। मैं हो क्या? जरूरी काम है, करा दिया ना पराईपन का एहसास, दिखा दिया ना माँ और चंदा टाइप्स में क्या फर्क है। बैठी कार में। ओके, ओ माय कृष्णा, ये हेलो। अभी दरवाजा कौन बंद करेगा? मैं तो बर्थडे गर्ल हूँ ना, और बर्थडे गर्ल कोई काम थोड़ी करती है। हाँ यू डोंट नो बर्थडे रूल्स तो सीख ले मर गिल्ली छिपकल। कबीर जल्दी करो ना, पता है ना तुम्हें सजना है मुझे बर्थडे के लिए। डेकोरेशंस देख लीजिए, हम लोग यहाँ हैंडल कर लेंगे ना, फिनिशिंग का तेजी तो देने हैं बस। क्या दुनिया का आठवां अजूबा हूं, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़े पापा के कपड़ों को क्या हुआ? डैड के कपड़े गोबर से खराब। काव्या, इंटरव्यू था ना आरुष का एडमिशन के लिए, कैसा रहा? बहुत ही खराब भाभी। हाँ तू मनोहर पे नजर रख रहा है ना, उसका पीछा कर रहा है ना? दोपहर से उसी की परछाई बन के घूम रहा हूँ, और वो बेवकूफ ग्वालियर पहुँच गया तेरा इतिहास पता करने। उसको पक्का लग रहा होगा कि तू ग्वालियर से है। चलाने दे उसे अंधेरे में तीर, कहीं निशाने पे नहीं लगने वाला। तू बस उस पे नजर रख और मुझे अपडेट करता रहे। ओके बाय। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरा ना लगे तो मैं हेल्प कर दूं। तुम्हारी स्माइल कभी कभी मुझे एकदम उसकी याद दिला देती है। किसकी? नहीं नथिंग, ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया मतलब? नाम लिया है किसी का तो कोई तो होगा मन में, कौन था? कोई नहीं जानवी। अच्छा चलो पार्टी में सब लोग आ गए, लेट्स गो। या तो मत बताओ या फिर पूरी बात बताओ। कौन हो सकती है? तो ये सब लोग नॉर्मल कपड़े में आए हैं, फिर हम क्यों पोस्टर बने घूम रहे हैं? कंधा ने सोनाली, सोनाली से पूछ लेते। हाँ। क्या बात है सोनाली? नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ सब नॉर्मल कपड़ों में आए हैं, फिर हम क्यों पोस्टर बने घूम रहे हैं? है कहाँ चंदा? अब आंटी बॉलीवुड थीम पार्टी है तो मम्मी को रेडी होने में टाइम तो लगेगा ही, आती होगी। अरे वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप दोनों।
मेरी कसम, आपकी कसम। हम तो आपकी तारीफ भी नहीं कर सकते, आप तो हमेशा ही स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग लगते। थैंक यू। जवानी के दिलीप कुमार जैसे। अरे, सच? मुझ। भाई ये बात तो मैं तब मानूंगा जब आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप दोनों मेरे लिए वोट करेंगे। पक्का पक्का पक्का। और अपने किटी पार्टी फ्रेंड से भी कहिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ प्लीज? बिल्कुल क्यों नहीं, आइए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सर मैं भी ले लूँ? प्लीज आइए आइए आइए, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, थैंक यू। अब एक मिनट, बस आपसे कुछ बात करनी थी। इजाजत चाहता हूँ। कुछ बहुत जरूरी बात करनी होगी ना, बोलो मैं सुन रहा हूँ। जी मैं वो बोलो सुमन, मुहूर्त का इंतजार करी हो क्या? मैं वो कह रही थी कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी जिससे आपको सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ओफो, मैं तो आज शो कैंसिल करना पड़ेगा, सबके टिकट के पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि सबके सब तुम्हारा ड्रामा देखने आए ना। फिर कुछ कहा उन्होंने? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से बात की, मैं तो बस यूं ही। पर तेरा मूड क्यों ऑफ है, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? और ये काव्य और आरुष कहाँ पर है? ऊपर होंगे, तैयार हो रहे हैं, आते होंगे। कबीर भैया, आज तो सच में सॉफ्ट ड्रिंक है, आप खुद चेक कर लो। प्लस शूज नहीं है तुझ पे, मुझे फील है, आई नो। हाँ वैसे भी मॉम के वो ड्रेस पहनकर आने से पहले पी लेता हूँ, एक बार वो आ गई तो शायद यहाँ से एम्बेरस होकर जाना पड़ेगा। क्यों चाची, ऐसा क्या पहन रही है आज? अरे भैया क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लेना, लेकिन बहुत एम्बेरसिंग है। सॉफ्ट ड्रिंक है सच्ची। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो पूछा ही नहीं। वो आजकल क्या है ना, पहले ही बता देना बेटर है, वरना लोग अपने आप कुछ भी समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स, अभी जा सुनाली बोर हो रही है, वो अकेली है, वैसे भी मुझे कबीर भैया से कुछ बात करनी। जी भाभी। जी भाभी बताइए। आपने काव्या से बात की? कोशिश की थी मैंने काव्य से बात करने की, लेकिन चाची बीच में आ गई तो मेरी बात अधूरी रह गई। वो मुझे पार्लर लेके चले गए, जब मैं वापस आया तो मुझमें हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे सच बता सकूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच बता दूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। जस्ट वेरी कंफ्यूज भाभी। आप ड्रिंक कब से करने लगे? मुझे पता नहीं था। नहीं करते, पर सोचा आज कर लेते, शायद इससे मेरे अंदर हिम्मत आ जाए काव्या को फेस करने की, उसे सच बताने की। अब आप तो उसे बता नहीं पा रहे, तो ये मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि
आर्मी वाले उसे ये सच बताएं। प्लीज देखिए, मैं जानता हूँ बहुत कोशिश करी है मुझे खुश करने की, ताकि मैं जाके काव्य को सब सच बता दूँ। कबीर भैया, जब आप समझ ही गए तो कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है भाभी, आज रात पार्टी खत्म होने से पहले मैं काव्य को सारा सच बता दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। चले जाएंगे कहाँ? अभी आर्मी कोर्ट में मेरी पेशी है। मैं शौर्य को कॉल करके बोल दूंगा कि आज रात में वहां पे आ रहा हूँ और आर्मी के सामने खुद को सरेंडर कर दूंगा। कबीर भैया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भाभी जो होगा वो देखा जाएगा। हेलो शेर, कोई भी फोटोग्राफ्स या ऐसा कोई मैसेज मुझे मत भेजा कर, यहाँ पे हर वक्त खतरा रहता है। और हाँ, कॉलेज के रिकॉर्ड रूम से उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर वो बहुत शातिर है इसलिए उस पर नजर रख। बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।